हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाना। रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध है, इसे हम उबाल लेंगे। ये उबल चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे। इसे हमें तब तक ठंडा करना जब तक इसके ऊपर की बाफ ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद में हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 नींबू का जूस निकाला है और उसमें 2 टेबल स्पून पानी को ऐड किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें नींबू का जूस डालेंगे, एक एक चम्मच करके इसमें नींबू का जूस डालें और इसे हल्के हाथों से चलाते रहें। हमें नींबू का जूस इसमें जब तक ऐड करना है जब तक कि ये छेना तैयार नहीं हो जाता है, इसमें से छेना निकल नहीं जाता है, ये फट नहीं जाता है। इसे हमें ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना है, हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हिला के तैयार करना है। ये देखिए हमारा छेना निकल के अलग से हो चुका है, ग्रीन ग्रीन पानी भी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ पे मैंने एक रुमाल लिया है, आप कोई सा भी क्लोथ ले सकते हैं, मसलिन क्लोथ। इसको यहाँ पे मैंने एक अलग से बाउल में ठंडा पानी भी रख रखा है, उसको अच्छे से दबाने के बाद में हम इस ठंडे पानी में इसको मिला देंगे। ठंडे पानी में मिलाने से हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा और कड़क नहीं होएगा। इसको हाथों से अच्छे से इसे धो लें जिससे कि जो भी नींबू का खट्टापन है वो सारा दूर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए कहीं पे टांग के छोड़ देंगे जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम, इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। इसके चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी ली है, कुछ केसर के धागे लिए हैं, ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, इलायची पाउडर। अब हम केसर का कुछ धागे ड्राई फ्रूट्स पाउडर में ऐड करेंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है, हमारा छेना भी लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे अच्छे से और इसे अच्छे से मैश करेंगे जब तक ये चिकना ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें हथेली की सहायता से छेने को चिकना बनाना है एकदम। इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। छेने के बॉल्स बनाने से पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी ली थी, उसके लिए हम 5 कप पानी को यूज़ में लेंगे। देखिए 5 कप पानी ऐड करें, हमें इसकी पतली चाशनी बना के तैयार करनी है। ये हमारे तैयार हो चुकी है, अब इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। हम कुछ केसर भी डाल देंगे जिससे कि केसरी कलर की हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ सॉफ्ट हो गया है, कुछ केसर के धागे ऐड कर लेते हैं जिससे कि इसका कलर अच्छा आएगा। पहले मैं मैदा नहीं बताया था, इसमें हम मैदा भी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ मैदा को भी ऐड किया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसमें मैदा नहीं डालनी है। ये देखिए पहले आप एक लोई बना के देख लें, इसमें कहीं फट तो नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा कहीं दिख रहा है, तो इसमें और थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से चिकना कर लेती हूँ। ये देखिए अभी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कहीं से भी नहीं फट रहा है। अब हम इसके अंदर हमारा ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड करेंगे, इसके अंदर भरेंगे। पहले हम छोटे छोटे सब गोलियां बना के तैयार कर लेते हैं जिससे कि सब रसगुल्ले हमारे बराबर बने। ड्राई फ्रूट्स भरने के लिए इसको सबसे पहले हम ऐसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पाउडर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से करें ये काम। देखिए इसमें थोड़ा सा हम ऐसे ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड कर लेंगे, कुछ केसर के धागे रख देंगे जिससे कि दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, और इसे ऊपर से ऐसे आराम से लेते हुए इसका एक गोला बना लेंगे। इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए हमारा गोला बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, इसमें कहीं से भी क्रैक नहीं आ रहा है। इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। इसे हमें बड़ी सावधानी से ऐसे ऊपर मोड़ना है और बंद करना है। आप चाहे तो बिना भर के भी रसगुल्ले बना सकते हैं। हमारी चाशनी उबल चुकी है, वो उबलती हुई चाशनी में हम इसको रसगुल्लों को डालेंगे। हमें पहले इसे 5 मिनट तेज आंच पे, फिर 15 मिनट मीडियम आंच पे और फिर 10 मिनट सिम आंच पे इसे पकाने हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से फूल चुके हैं, कितने दिखने में बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, मैं इसे एक बाउल में लेके दिखाती हूँ आपको ये कितने हमारे सॉफ्ट बने हैं।
ये हमारे रसगुल्ले बिल्कुल बनके रेडी हो चुके। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इस पर कुछ केसर के धागे डाल देते हैं, जिससे कि दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। ये देखिए कितने सुंदर रसगुल्ले बने हमारे और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा दी, देखो कितने इसमें अंदर रस भरा हुआ है। इसको अगर हम ऐसे दबाएंगे तो इसमें बहुत सारा रस निकलेगा। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जाली टाइप में बन गए हैं और दबाने पे देखिए कितना सारा रस निकल रहा है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे केसरी रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।